माय यूट्यूब फैमिली, आई एम साद अली खान और आप देख रहे हैं रियल टैक्स सॉल्यूशन। तो रियल टैक्स सॉल्यूशन की जानब से आज मैं आपके लिए एक और नए प्रोडक्ट के साथ हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि दो बम्पर प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग और उसकी रिव्यू लेके आया हूँ। तो गाइज, ये वो प्रोडक्ट है जो कि एक नॉर्मली मार्केट के अंदर कमर्शियली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है। आज हम इसकी कनेक्टिविटी और इसकी अनबॉक्सिंग, ये किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से कौन कौन से फीचर पे, कौन से मोड पे कैसे ऑपरेट होता है, तो यहाँ पे हम उसकी करेंगे अनबॉक्सिंग और रिव्यू। जो हमारा पहला प्रोडक्ट है, जो कि आपको मोस्टली कंसर्ट्स वगैरह पे आप उसे देख सकते हैं, स्टेज पे जो लाइट्स होती हैं, इसे कहते हैं मिनी मूवेबल हेड LED, या फिर इसे मिनी स्पोर्ट LED लाइट भी कहते हैं। चलते हैं हम अपने प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और इसकी रिव्यू की तरफ। ये हम आ चुके हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ। तो इसकी जो फर्स्ट लुक है वो आप देख सकते हैं, इस तरह की पैकिंग में आता है ये आपके पास। यहाँ पे कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं, जिनमें वोल्टेज हैं वो ऑब्वियस 220 वोल्ट हैं, क्वान्टिटी जितनी भी आपने मंगवाई है, और वेट इसका अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 kg वेट होता है। तो इसको अनबॉक्स करते हैं। तो गाइस, ये हमारे पास हमारे प्रोडक्ट की फर्स्ट लुक है। इसके अंदर जो हमें मैनुअल दिया गया है, कलर स्पॉट भी इसे कहते हैं, या फिर मिनी मूवेबल हेड लाइट भी कहते हैं, जो कि मूव करती है, वो आगे हम वीडियो में देखेंगे। इस तरह की पैकिंग में बिल्कुल सेफ एंड आपके पास रिसीव होता है पार्सल। करने के लिए बैक साइड पर अगर कहीं पर आपने हैंग करना है, मोस्टली ये हैंग होती है। ये हमारे प्रोडक्ट की फर्स्ट लुक है हमारे पास कुछ इस तरह से। तो अब इसके बारे में, इसके कनेक्शन वगैरह को देखते हैं, इसको ऑन करते हैं, पावर देते हैं इसको। तो बॉक्स ओपनिंग के बाद गाइस, हमारे पास कुछ ये लुक है। क्लासिक जेट ब्लैक में प्रोडक्ट का कलर है, और अब तक का ये मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है जिसको मैं अनबॉक्स और रिव्यू कर रहा हूँ। और ऑब्वियस ये आपको हमारे स्टोर से भी मिल जाएगा, वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। तो इसका जो बेसिक नाम है LED मिनी LED स्पॉट। और अगर क्वालिटी वाइज बात की जाए तो इसमें आपको दो दो फ़ैन दिए गए हैं बैक साइड पे, यहाँ पे फ़ैन दिया गया है। इसी तरह इसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ पे भी आपको फ़ैन मिलता है। तो फ्रंट पे अगर देखें तो यहाँ पे आपको वार्निंग दी जाती है। सबसे पहले आपको वार्निंग दी गई है। वार्निंग में आपको बताया गया कि जो फ्लेमेबल चीज़ें होती हैं किसी भी इवेंट पे, जैसे आप फ्लेम का यूज़ होता है वहाँ पे, तो इसको आप वहाँ से दूर रखें, और जो इसका टेम्परेचर है वो अप्रोक्सीमेटली 120 इसकी लिमिट है। और यस, मेन्यू अप डाउन और एंटर के बटन अवेलेबल हैं। ये डिस्प्ले अवेलेबल है इसका छोटा सा, और उसके बाद ये आपका माइक है। माइक इसलिए है क्योंकि ये आपका म्यूज़िक कंट्रोलेबल भी है। तो बैक साइड पे दिखाऊं तो ये इसकी पावर स्लॉट है, बैक साइड पे पावर स्लॉट है, और ये आपके DMX कंट्रोल सिस्टम है। तो यहाँ पे हम इसको पावर कॉर्ड को अटैच करते हैं इसके साथ। जी गाइस, तो आपने इसकी एक छोटी सी प्रोजेक्टाइल वीडियो शुरू में देख ही चुके होंगे। तो जैसे ही हमने इसको पावर दी तो आपके सामने इसके इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत ही क्लासिक इफ़ेक्ट्स हैं इसके। तो यहाँ पे जो मैं आपको इसकी सेटिंग की तरफ चलते हैं, वीडियो लंबी ना हो हमारी। यहाँ पे आपके पास सबसे पहला ऑप्शन है मेन्यू का, मेन्यू के बाद आपके पास अप डाउन और एंटर का है। ऑपरेट कैसे करना है कि अगर आप साउंड पे जाते हैं, ये इस वक्त मैंने साउंड पे ऑपरेट की हुई है। अगर आप इसका साउंड पे इफेक्ट देखना चाहते हैं तो वो ये इफेक्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने सिंपल इस पर क्लैप करना है, तो आप देखेंगे कि आपकी मशीन की मूवमेंट्स होती हैं विदाउट साउंड। जो है विदाउट साउंड ये आपके इस तरह के इफेक्ट्स नहीं करता, वो हम इसको ऑटो पे लगाते हैं। तो आप चलते हैं इसकी सेटिंग को और देखते हैं फर्दर। तो मेन्यू के बटन पे आप जाएंगे तो ये चैनल है, CH रिप्रेजेंट करता है चैनल्स को, कि कितने चैनल्स पे आपने इसको कंट्रोल करना है। तो ये अगर आपके पास DMX है, DMX की सेटिंग्स हैं, तो हम इसके इसको नहीं छेड़ेंगे हम CH। ये आपके चैनल्स हैं, ये सेंसर है जो इस मशीन में सेंसर्स लगे हैं उनकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। और इसी तरह ये LED है, LED के आपने किस कलर में रखनी है LED, उन LEDs को रिप्रेजेंट करता है। और ये डिस्प्ले है कि आपने इस डिस्प्ले को
देख रहे हैं यस के आपको डिस्प्ले चाहिए या नहीं चाहिए, तो हमें बिल्कुल चाहिए और हम यहाँ से एंटर करेंगे। जनरल सेटिंग्स हैं जिनको आप अगर चेंज करेंगे तो इनकी LEDs के कलर्स को इफेक्ट होता है, और अगर आप यहाँ से म्यूज़िक का सिस्टम मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो साउंड सिस्टम है हमारे पास, ये साउंड सिस्टम को अगर आप ऑफ करते हैं तो गाइज ये फिर ऑटो पे लग जाएगी और ऑटो पे ये कॉन्टीन्यूसली खुद वर्किंग करती रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम कुछ भी नहीं कर रहे तो ये सिंपली खुद ऑटोमेटिकली मूव कर रही है, हर जगह पे मूविंग कर रही है और अपने पैटर्न्स चेंज कर रही है। देख सकते हैं, और आपको जैसा पता है इसको ऑर्डर करने का तरीका व्हाट्सएप पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, और यूट्यूब पे भी आप इसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसको फेसबुक और हमारे वेबसाइट पे भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।